डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। जैसे कि पिछले दिनों आपको रस पढ़ा रहे थे, रस में आपको सबसे पहले श्रृंगार रस पढ़ा दिया गया, उसके बाद वीर रस पढ़ा दिया गया, उसके बाद करुण रस और हास्य रस पढ़ा दिया गया। आज हम आपको पढ़ाएंगे शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं? जब व्यक्ति इस संसार से एकदम विरक्त हो जाए, अर्थात तत्व ज्ञान की उसको प्राप्ति हो जाए और संसार से वैराग्य होने पर उसको शांत रस एकदम उत्पत्ति होती है। वहाँ पर उस व्यक्ति को ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई राग है और ना कोई इच्छा है। ऐसी मानव स्थिति में उत्पन्न रस को आचार्यों ने शांत रस कहा है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर ना कोई दुख है, ना सुख है, ना राग है और ना कोई इच्छा है, ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को आचार्यों ने मुनियों ने शांत रस कहा है। उदाहरण है इसका, कबहु कबहु यदि रहन रहूंगो श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव बहूंगो जथा लाभ संतोष सदा काहू सो बच न चहूंगा पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा। इसमें अस्थाई भाव है संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद, अर्थात व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं है, एकदम संसार से वो विरक्त हो गया है और अपने आप में पूर्ण हो गया है। और दूसरा उसका अंग है विभाव। विभाव में आश्रय है तुलसीदास और आलम्बन है राम की भक्ति। उद्दीपन है साधु संपर्क एवं श्री रघुनाथ की कृपा। और उसके बाद अनुभव है उस व्यक्ति के अंदर एकदम भय आ जाता है, संतोष आ जाता है और चिंता अर्थात अचिंता चिंता रहित हो जाता है व्यक्ति। ये उसका अनुभव है। और संचारी भाव जिसको व्यवचारी भी कहते हैं, इसमें उसको निर्वेद तथा कुछ भी इच्छा न होने पर और उसको ज्ञान की प्राप्ति होने पर हर्ष हो जाता है और उसको सभी चीजें स्मृत रहती हैं। आदि ये गुण जो है संचारी भाव कहलाते हैं। इसी तरीके और दूसरा भी उदाहरण है, राम अबलव नसानी अबलव न नसिंहो राम कृपा भव निशा सिरानी जाके फिर न सही हो पायो नाम चार चिंता मन पूर करते न हसई हो पर बस जान हस्यो इन इंद्रिन निज बस होए न हसूंगा मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपत पद कमल बसई हो। इसमें भी स्पष्टीकरण है, अस्थाई भाव है निर्वेद और आश्रय है तुलसीदास। और इसमें दूसरा विभाव, विभाव में आलम्बन है, आलम्बन में संसार की नैश्वरता का ज्ञान, ईश्वरी सत्ता का आभास होना और उद्दीपन है शास्त्रों का अध्ययन, साधु सज्जनों की संगत करना। और अनुभाव में भी है इसमें रोमांच और इसमें वही संचारी भाव में देवी भाग और स्मृति। आज आपको यहीं तक बताएंगे, फिर अगले दिन आपको बताएंगे छंद।